नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव कुंभ राशि में उदित होने जा रहे हैं, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 6 मार्च 2023 की रात 11:36 पर शनिदेव कुंभ राशि में पूर्ण रूपेण प्रभावी हो जाएंगे, उदित हो जाएंगे और 17 जून 2023 तक शनि पूर्ण बली स्थितियों में कुंभ राशि में संचरण करने वाले हैं। उसके पश्चात ये वक्री होने वाले हैं। तो इस 103 दिनों की समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। कन्या राशि के जातकों को किन किन क्षेत्रों में शनिदेव ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देने वाले हैं और क्या क्या नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने के लिए मिल सकता है, यह भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो शनि ग्रह के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि को विशेष कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है, जिसमें शनिदेव किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म का, पुरुषार्थ का और संचित कर्मों का उचित न्याय लेखा जोखा करने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। सामान्य तौर पर शनि को एक क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं तो लंबे समय तक शुभ प्रभाव देते हैं, और जब किसी व्यक्ति के जीवन में शनि अशुभ प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं वो भी लंबे समय तक देते हैं। देखिए, शनिदेव तर्क, अनुशासन, कानून, धैर्य, कड़ी मेहनत, सभी प्रकार की नौकरी, आजीविका, प्राकृतिक आपदा, गरीबी और आयु के कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी इन सभी चीजों पर शनि का बेहतरीन आधिपत्य होता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। जीवन के पड़ाव में 30वें साल, 31वें साल, 36वें साल और 37वें वर्ष में किसी भी व्यक्ति के जीवन में शनि पूर्ण रूपेण प्रभावी हो जाते हैं। जब भी जन्म कुंडली पर शनि की स्थितियां मजबूत होती है तो कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। शनि यदि बली हो जाए तो जातक को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। खास तौर से ऐसा व्यक्ति लकड़ी, मेडिकल फील्ड, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्षेत्र, कोयला, पेट्रोलियम, आयरन या भूमि से जुड़े हुए क्षेत्रों में विशेष सफलता अर्जित करता है। शनि यदि शुभ हो जाए तो भौतिक सुखों में वृद्धि देखने के लिए मिलती है, यानी ऐसे लोगों के पास कई गाड़ियां, कई घर होता है। शनिदेव यदि जन्म कुंडली पर नकारात्मक हो जाए तो शरीर में दर्द हमेशा बना रहता है, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी की समस्या हमेशा रहती है। शनि के पीड़ित होने पर पैरालिसिस, कैंसर, जुखाम, ये सारी समस्या शरीर में निर्मित होने लगती है। शनि पीड़ित हो जाए तो जीवन में कर्म ज्यादा करने के बावजूद लाभ कम देखने के लिए मिलता है, और यदि मंगल के साथ जन्म कुंडली में संबंध बन जाए तो कारावास जैसी परिस्थितियों का योग भी बनता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। कन्या राशि के जातकों, शनिदेव आपके राशि के लिए आपके पंचम भाव यानी शिक्षा भाव और आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं। जो राशि के छठे भाव में 6 मार्च 2023 को गोचरी स्थितियों में आने वाले हैं, और ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है कि शनिदेव यदि राशि के छठे भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर विराजित हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन में बेहतरीन उन्नति और सफलता देते हैं। तो कन्या राशि के जातकों, 30 जनवरी से शनिदेव अस्त हो गए थे,
तो आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या आपको देखने के लिए मिल रही थी। नौकरी पेशा जातकों को लगातार प्रॉब्लम हो रही थी। काम को लेकर यानी अपने कर्म क्षेत्र को लेकर कन्या राशि के जातक इस समय अंतराल में काफी ज्यादा भागदौड़ किए हैं। पारिवारिक जीवन में उलझनें और समस्याएं आपके लिए लगातार बनी रही और धन को लेकर भी कई प्रकार की अनिश्चितता कन्या राशि वाले जातकों को परेशान की है। लेकिन अब शनिदेव आपके राशि के छठे भाव पर प्रभावी होकर आपके आयु भाव, खर्च भाव और पराक्रम भाव पर दृष्टि संबंध बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कन्या राशि के जातकों को, नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि राशि के छठे भाव से प्रतिस्पर्धा, नौकरी, रोग ऋण और शत्रु के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की जाती है। तो किसी भी फील्ड में यदि आप जुड़कर नौकरी कर रहे हैं, यदि आप लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ यदि आपका काम है, या कन्या राशि के जातकों का काम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, मेडिकल फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, लकड़ी से जुड़ा हुआ यदि आप काम करते हैं, कोयला या पेट्रोलियम विभाग में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी क्षेत्रों में आपको बेहतरीन उपलब्धि प्राप्त होगी। यदि आपके पास खुद का वाहन है, वाहन से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं, तो आपको बेहतरीन सफलता मिलने वाली है। व्यापारी जातकों के लिए भी शुभ परिणाम प्राप्त होने वाला है। वही कन्या राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से किसी प्रकार की नौकरी की तलाश कर रहे थे, उसमें आपको बेहतरीन सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उच्च अध्ययन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समयावधि में यानी 6 मार्च से लेकर 17 जून तक की समयावधि में यदि आप कहीं विदेशों में जाकर दाखिला लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों, आपके जीवन में खर्चों में वृद्धि आपको देखने के लिए काफी ज्यादा मिलने वाली है। कन्या राशि के जातकों को कर्ज लेने से जरूर बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। उसके साथ साथ पारिवारिक जीवन में भी आपको तालमेल बैठाकर चलने की आवश्यकता इस परिवर्तन की समयावधि में रहने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी और परिवार के सदस्यों के साथ किसी प्रकार का नोक झोंक निर्मित ना हो, यह आपको ध्यान देना है। अब यदि आपके राशि के लिए सलाह की जानकारी दिया जाए, तो सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को अपनी ऊर्जा शक्ति का सही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के कार्यों में यदि आप संलग्न होकर जीवन में चलते हैं, तो इससे आपके समय, श्रम का दोनों का नुकसान होता है। इसलिए कन्या राशि के जातकों को सीमित दायरे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों को व्यक्त करने से बचना चाहिए। नपेतुल्य शब्दों का जीवन में प्रयोग करके आपको चलना चाहिए, तो यह समय आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। दूसरी सावधानी कन्या राशि के जातकों को यह रखनी चाहिए, जीवन में किसी भी फील्ड में यदि आप जुड़े हुए हैं, अपने कार्य को आपको सर्वोपरि मानना है और काम पर आपको ज्यादा प्राथमिकता देकर चलना चाहिए। समय का दुरुपयोग करना कन्या राशि वाले जातकों के स्वभाव में पाया गया है, इसलिए समय प्रबंधन का ध्यान आपको जीवन में रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आएगा, इसका आपको ध्यान हमेशा रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, कन्या राशि के जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ रामचरितमानस में मौजूद सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इससे आपके जीवन में धन धान्य में भी वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी, पारिवारिक समस्याएं भी समाप्त होगी, वहीं शनिजन्य दुष्प्रभाव भी आपके जीवन से समाप्त होगा। माता पिता, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, इन सभी का विशेष सम्मान करके ही आपको जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में
अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।